नमस्कार, मैं शेफ सुबीर सरन हूँ। मेरे साथ शेफ वरदान मारवा है। I'm सुबीर सरन विद शेफ वरदान मारवा। We are here talking condensed milk, and condensed milk is nothing but milk from which 60-70% liquid water has been removed, and this is what it looks like. Mithai mate is what Amul calls it, and it is a dost hai mithai ka. Ye do reasons ke liye ki ek to ye meetha hai, dusri cheez इसमें बहुत मेहनत जो आपको दूध को काढ़ने में लगेगी, यहाँ से मैंने कहा कि पीछा तो हम लोग मजे करते हैं यहाँ पे। तो इसमें जो आप घर पे काढ़ 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 के जो आप इसको बना पाएंगे वे घंटों लगेगी। हमारे देखिए हम लोग मजे करते हैं। तो वरदान को जब मैंने बोला था बनाओ एक बार कंडेंस मिल्क, क्या बोला था आपने? तब तो हंसने लगते। तो कंडेंस मिल्क इज आवर्स ऑफ वर्क दैट हैज बीन सेव्ड एक कैन में। व्हाट्स डिफरेंट अबाउट दिस वन इज दैट मोस्ट द मिनिमम जो बाय ट्रेड पीपल हैव टू हैव 8% ऑफ मिल्क फैट इन अ कैन। अमूल में 9% है। मोस्ट अगर आप खरीदेंगे ये लोग लिखेंगे स्वीटन कंडेंस मिल्क, अमूल लिखता है मिठाई मिल्क के साथ, और ब्रांड्स ये नहीं लिखते, वो कहते हैं पार्शियली कंडेंस। तो वो लोग दूध का फैट कम दे रहे हैं आपको और ज्यादा चीनी डाल देते हैं, 20% मोर शुगर। तो वैसे जो मीठा खाते हैं हम लोगों को बोला जाता है कम खाइए कम खाइए। अगर आपके कंडेंस मिल्क में 20% और ज्यादा चीनी है तब तो फिर तो आपकी बहुत ही हेल्थ पे नुकसान होएगा। तो प्लीज बाय मिठाई मेट, इट्स प्योर कंडेंस मिल्क विद 9% मिल्क फैट एंड लेस शुगर देन अदर ब्रांड, सो यूज इट। एक इसमें कैलोरीज 1300 कैलोरीज के करीब होती है एक कैन में। उसमें प्रोटीन होती है, फैट होती है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और चीनी होती है। प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेजिटेरियंस। तो हम लोग जो शाकाहारी खाना खाते हैं उनको कहीं ना कहीं दूध दही घी लाना पड़ता है। मलाई आप खाइए थोड़ा बहुत। व्हाट आर यू शोइंग? अनन्या मारवा कह रही है लव द पैन। अनन्या मारवा थैंक यू, इवन आई लव द पैन। इट्स अ बोगियल पैन। सो व्हाट वी हैव हियर इज अ कंडेंस्ड मिल्क कैन। उसको मैं ऐसे बर्तन में डाला मैंने कल रात को, पानी से भरा, उबाल लाए, आपने उसको ढक दिया एंड देन बिल्कुल हल्की आंच पे लोएस्ट सिमर 4-4.5 घंटे कुक कर सकते हैं। हम आपको दिखाएंगे बाद में हमारा कैसा लगा। बट द फर्स्ट थिंग आई एम डूइंग टुडे आई एम यूजिंग अ सिस्टर ब्रांड ऑफ अमूल। एक इनकी एक दोस्त है इली कंपनी के ओनर जो दमोरी चॉकलेट बनाते हैं, दुनिया की सबसे खास चॉकलेट ककाओ बीन वो खरीदते हैं। मैं इटली में बैठा हुआ था, बड़े मेरे को बहुत गर्व हुआ कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, इंडियन हूँ, क्योंकि वहां के जो रिकार्डो इली दी वन थर्ड जनरेशन ऑर्डर इली कॉफी, सबसे हाईएस्ट क्वालिटी की कॉफी है दुनिया की। उन्होंने मेरे को कहा कि सुबीर तुम इंडिया के हो, यू शुड बी वेरी प्राउड दैट अमूल मेक्स द वर्ल्ड्स फाइनेस्ट चॉकलेट एट द चीपेस्ट प्राइस, कि दुनिया की सबसे बेहतरीन चॉकलेट बनाते और बहुत सस्ती बनाते हैं। आई सेड हाउ डू यू नो? ही सेड वी गिव देम चॉकलेट, वो ककाओ देते हैं, इली कम फैमिली उनको ककाओ देती है। आज हम उनकी कॉफी यूज कर रहे हैं, दुनिया की बहुत ही खास कॉफी है। हम आपको दिखाते हैं कॉफी के साथ क्या कंडेंस मिल्क का मजा आता है। बट आई हैव टू बी ओपन दिस। आई कैन ओपन। सी आई एम वेरी बैड विद दिस। मेरे हाथों में कोई कमी, हमेशा कैंस नहीं काम करते, विच मीन्स आई एम रॉन्ग। Suveer, I want this coffee. Where can I get? Where can you get Illy coffee? Ananya pooch rahi. Wherever coffee is sold in specialty stores, you can get good Illy coffee. I am Vadan. We may have to use this is cocoa. Mere paas ye khul kyun nahi raha hai? Kaise kholenge hum isse? You can open it. Do we have the other one? Kaise kholenge? इसीलिए 20 साल के बच्चों को शेफ बना सकते हैं पर उनको हम आदमी नहीं कह सकते। वरदान अब तो नहीं खुलेगा, अब तो नहीं खुलेगा। बट माय मिस्टेक, दीज आर होल बीन्स। सो राइट ऑन कैमरा हम लोगों को थप्पड़ पड़ रहे हैं लाइव से कि वी वर गोइंग टू मेक यू कॉफी, सो नाउ वी गो टू द ओल्ड फैशन वे ऑफ मेकिंग कॉफी। So here we have a coffee machine.
पे मैं डबल एस्प्रेसो बना रहा हूँ। वो हमने इली कॉफी के पॉट डाले, दीज आर कॉफी पॉट्स फ्रॉम इली कॉफी, द सेम पीपल। दिस इज कॉल्ड अ इली एस्प्रेसो पॉट और एन ईपर, इसको हम यूज कर रहे हैं। श्रद्धा झा आपका व्हाट्सएप नंबर कुछ चल रहा। So, I mean, look, so you take that out, you're putting two large shots. And did you get the ice for me? Yeah. So while the coffee is pouring, what we are doing here, yahan pe dikhao, we are... ये हम थाई कॉफी बना रहे हैं, इसमें आप चाय में कुछ बर्फ दे दीजिए। एंड आई एम एडिंग डूइंग द सेम थिंग इन अ बिगर ग्लास। And we are putting this coffee into this. नीचे साइड के दिखाओ कितना सुंदर। एक बदान एक टू मोर फॉर मी। So this, when you mix, and I'm adding a little more. Ice, and you get Vietnamese, Thai, Malaysian iced coffee. This I can get married to this glass. इसके साथ कुछ और नहीं चाहिए जिंदगी में। कोविड हो और आपके पास कंडेंस्ड मिल्क हो, ग्लास हो, बर्फ हो, कॉफी हो, आपको किसी और की जरूरत नहीं है। आप किसी को मिस नहीं करेंगे, जन्नत में रहते हैं। और यही आप टी के साथ कर सकते हैं। दार्जिलिंग टी बनाइए, मसाला चाय बनाइए। श्रद्धा जा पूछ रही है, हाउ विल आई गेट दिस कॉफी? यू कैन गेट इट ऑनलाइन ऑन Amazon। Amazon में मिल जाएगी आपको, और थोड़ी स्पेशलिटी मार्केट्स में दिल्ली में कई मॉलों की दुकानों में होता है। वो चाणक्य मॉल है वहां पे, वो दुकान को क्या कहते हैं, फूड हॉल में बड़े शहरों में तो मिल जाती है। ये मैं अभी बात भी नहीं करना चाह रहा, इतनी बढ़िया अनन्या जी और श्रद्धा जी आपस में कोऑपरेट कर रही हैं, वो बोल रही हैं कि कैसे मिल जाएगा। थैंक यू अनन्या जी एंड श्रद्धा जी फॉर टॉकिंग टू ईच अदर। लुक एट दिस, लेयर्स पूरी दिख रही है कि ये दूध मिल रहा है कॉफी के साथ, शादी हो रही है, हंसी मजाक खुशी से जी रहे हैं, और बस सोने पे सुहागा है। अभी डिवोर्स का स्टेज नहीं आया, दोनों खुश है एक साथ। So this is what we are doing here. Now let's do the next, coconut. Yeah. So hum condensed milk se laddu banayenge aaj. And so we're going to make laddus with condensed milk. And first we're going to be roasting the coconut here. So what I did was, ye main Ziploc bag mein coconut milta hai market pe ya nahi? Nikhat ji pooch rahi hain ki bina machine ke hum kaise ready karenge? जैसे भी आप रेडी करती हैं, जैसे भी आप काली कॉफी बनाएंगे, जिस तरह से आपको बनाना है, जिस कॉफी के साथ बनाना है, आप काली कॉफी बनाइए, उसको आप गरम गरम को एक ग्लास में बर्फ के साथ और कंडेंस मिल्क के साथ पोर कीजिए, बड़ी चम्मच के साथ स्टर कीजिए। आपको कभी किसी और के साथ ना बैठना, लिखना, पढ़ना, बातें करने की जरूरत पड़ेगी। और प्रियंका जी पूछ रही टी के साथ कैसे बनाए? बहुत बढ़िया, सेम काली चाय आपने बनाई, उसको पोर करा ग्लास में या कप में with condensed milk, it's incredible. Vietnam, Malaysia, वहाँ पे ऐसे ही खाई जाती है चाय और कॉफी condensed milk के साथ, क्योंकि फ्रांस में सबसे पहली बार ही condensed milk बना था in the 1830s,
और 1860 में ब्रूस्टर न्यूयॉर्क में कंडेंस मिल्क बना और फिर वहां से अमेरिकन आर्मी को दिया गया क्योंकि एक कंटेनर में 1300 कैलोरीज मिल जाती है पूरे दिन के खाने की। तो हमें कोई कुछ पूछ रहे हैं आपसे, आप हंस रहे हैं साथ साथ? वो अनन्या जी कह रही है बहुत मीठे लग रहे हैं। बहुत मीठे लग रहे हैं, हमारी क्या बात है, हम कंडेंस मिल्क में ही नहाते और धोते अपने आप को। तो ये मैंने तो आपको ये बताता, मेरे बंद कर दो बदान। तो दिस इज ये डेसिकेटेड कोकोनट कहा जाता है, कोकोनट पाउडर, ड्राई कोकोनट, ग्राउंड कोकोनट। मैं इसको फ्रीजर में रखता हूँ, जब चाहिए हो, सिंपल मिल्क चाहिए हो तो आप इसको निकालें। अब हम इसको पहले भूनेंगे थोड़े से, and I'm making it toasted. बस बहुत तैयार बर्दा इसको टोस्ट कर दो, एंड जब आपको जितना यूज करना यूज करिए, बाकी को आप फिर से फ्रीजर में रख दीजिए। और मैं अपना ग्लास कॉफी का ले रहा हूँ, कहाँ पे गई मेरी कॉफी, डबल बड़ा वाला, बहुत ही मजेदार है, इसको पीने का मजा ही अलग है। Okay, please show the coffee so I can take a screenshot. Oh, the pod, or the beans. ये इसको इली कॉफी कहा जाता है, ILLY इली। ये दुनिया की सबसे फाइन कॉफी है। So, कोकोनट को हमें टोस्ट करना है। हमें बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं चाहिए, इससे कोकोनट का जितना भी ऑयल है डेसिकेटेड कोकोनट से एसेंस पूरा बाहर आएगा। सो थोड़ा टोस्टी होगा, थोड़ा नटी होगा, एंड इसके साथ यू कैन ऑल्सो ऐड सम पीनट्स और पिस्ताशियोज और आलमंड्स एंड टोस्ट देम टुगेदर। एंड सो वी यूजिंग डुल्से हियर, ये कुछ नहीं है बट कंडेंस मिल्क जो हमने फर्स्ट आपको दिखाया था, उसको हमने एक सॉस पैन में पानी के साथ डाल के ढक दिया एंड 4 आवर्स तक कुक किया। तो जब वो कुक होने के बाद जो कंडेंस मिल्क है उसको वो एकदम कैरमलाइज हो जाता है ऐसा, उसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाता है, बहुत कैरमलाइजेशन आ जाती है, तो उससे ये कलर बनता है। तो वी आर यूजिंग द डुल्से फॉर दिस लड्डू, एंड एक और चीज़ बनाएंगे हम इसके बाद इसी मिठाई मेट से। सो पहले हम लड्डू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो शेफ यहाँ पे टोस्ट कर रहे हैं कोकोनट को, क्योंकि मैं चाहता हूँ रंग सुंदर हो, गोल्डन हो। ये हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, दो लड्डू सिखाना आपको आज बनाएंगे, लड्डू बनाना सिखाएंगे, लड्डू सिखाना बनाएंगे, लड्डू बनाना सिखाएंगे। एंड ये लड्डू आप दिवाली और की सीजन के लिए खुशी से बहुत प्राइड से बनाइएगा, लोगों के लिए वो खुशी से खाएंगे। वरदान हमें कोई लोग पूछ रहे हैं कोई क्वेश्चन? नहीं, सिर्फ अनन्या नंदा। अनन्या नंदा को साइलेंट कर दीजिए, बहुत क्वेश्चन पूछ रही है और लोगों को पूछने नहीं दे रही है। अनन्या जी, आई थिंक यूर अ फ्रेंड जिसने फेक आईडी से साइन करा है, इसलिए आप इतने क्वेश्चन पूछ रही हैं। बट नाउ ट्रूथ बी टोल्ड, अभी मैंने उठाया है ऐसे क्योंकि खुशबू आ रही है नारियल की और नीचे नीचे गोल्डन कलर आ रहा है, पर मेरे को पूरा कोकोनट ऐसा चाहिए, इसलिए मैंने नीचे हल्की कर दी है आँच और फिर से कंटिन्यू करेंगे कुकिंग, क्योंकि जितना होगा उतना इसका मजा पूरा होगा। तो इसको आप प्लीज ध्यान से करिए, शौक से करिए। The darker it is, the sweeter it is, the nuttier it is. The once you go dark, you don't go back. वो एक saying है कि जब आपने dark fruit चख लिया तब आप कोई और नहीं लेंगे। तो यही coconut की खूबी है। Dark जाइए मजे आएंगे। Dark chocolate अमूल की खाइए मजे आते हैं। Condensed milk को dark करिए मजे आते हैं। Can we use Nespresso pods? Yes, you can use any coffee. अपने मर्जी की जो coffee आपको use करनी है। खूबी ये है कि minute में मिठाई मेट जो हमारा है उसके साथ आपको चिंता नहीं करनी, इसका जो फैट कंटेंट है इज परफेक्ट 9%, इट्स सो ब्यूटीफुल दैट इट विल मेक द वर्स्ट कॉफी कम इन कम अलाइव। और आरियस दे दी पूछ रहे हैं कि क्या आप लोग बस, नमस्कार आरियस जी, पूछ रहे हैं बस आप दोनों ने खुद के लिए दो लड्डू बना रहे हैं। हम लोग खुद के लिए हम लोग लगते लड्डू की तरह है ना, पर हम लोग इतने नहीं, इतना खाते नहीं है हम लोग, वी चूज वॉट वी पुट इन आर माउथ, सो वी बाय द प्योरेस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स एंड दैट्स व्हाट मेक्स इट इजी टू वर्क विद अमूल। ओके, दर्शन दर्शन जी पूछ रहे हैं कौन सी बेस्ट कॉफी है टू मेक कॉफी। वेल, इली इज द वर्ल्ड्स बेस्ट कॉफी, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट, बट आपको जो मर्जी कॉफी जो आपकी पसंद की उसको यूज कीजिए। ये हम आपको बता रहे हैं कि चाय कॉफी कंडेंस मिल्क के साथ पीजिए, उसका मजा अलग होता है। कॉफी इज योर थिंग, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको कंडेंस मिल्क के साथ आप मिनट मिठाई मेट के साथ खाइए,
मिठाई मेट जो मिठाई मेट जो है मेट वर्ड फ्रेंडशिप मिठाई मेट वो दोस्त बन जाता है आप मिठाई का पर इस पे में चाय और कॉफी का भी मेट बन जाता है तो मिठाई मेट के साथ खाइए बहुत मजा आएगा ये हो गया तो या ये हमारा कोकोनट एकदम नटी एंड गोल्डन कलर आ गया इसमें हम अपना अशीन ढिंगरा बोले सर यू आर वेरी क्यूट थैंक यू अशीन मैं क्यूट हूँ या ये exactly. या दोनों तो इसमें अब एक स्पून पहले हम डालेंगे क्योंकि हमें उसको एकदम डो कंसिस्टेंसी बनाने की हम उसको लड्डू फॉर्म कर सके तो हम धीरे धीरे डालेंगे तो थोड़ा फ्रिज में मैं रख रहा हूँ थोड़ी देर ओके या आप दूसरी चीज से खाइए एंड यही जुलसे को आप बैनोफी पाई के लिए भी यूज कर सकते हैं यू कैन यूज इट फॉर अ लॉट ऑफ डिशेस हम शेफ यूजेस वन ऑफ हिज रेसिपीज वेयर ही यूजेस फ्लान यू मेक योर ड्राई कोकोनट यूज कर सकते हैं क्या ये ड्राई ही था जो हमारे पास था आप फ्रेश कोकोनट को भी ग्रेट करके टोस्ट कर सकते हैं सर सेम एंड हाँ आप ड्राई ही यूज कर रहे हैं अब द नेक्स्ट थिंग दैट आई एम डूइंग इज अ ब्राजीलियन डिश Brigadeiro. So it's a laddu, but a Brazilian laddu. And uske liye bhi hum mithai mate use karenge. So all we need for this is just three ingredients, very simple. Some cocoa powder. I'm going to be using the mithai mate. And some amul butter, that's it. So these are the three ingredients that goes in the dish. So first I'm going to be adding a little bit of butter into it. And while he adds butter, mereko test karna ki mithai mate kitna acha hai ki nahi. Oh God. That... No. Thank you. Please, chef. Maine aaj 6-7 chamche khaye hain iski. Zyada. To ye garam, jisme humne coconut toast kiya tha, usi mein maine ye dal diya hai. Aur butter isme melt ho raha hai. Jab ye ho jayega, I'm adding the condensed milk to it. Main 1/4 can use कर रहा हूँ इस रेसिपी के लिए एंड इसमें मैं 2 चम्मच कोकोआ पाउडर डाल रहा हूँ एंड नाउ ऑल यू गॉट टू डू इज इसको लो फ्लेम पे यू हैव टू बी नॉटी या यू हैव टू बी नॉटी एंड यू हैव टू लो फ्लेम पे इसको हम मिक्स करते जाएंगे बट यू गॉट बी रियली केयरफुल बिकॉज कंडेंस्ड मिल्क जब हीट पे होता है वो बहुत जल्दी जल जाता है तो आप 1 सेकेंड के लिए भी अपनी आईज जो है इस डिश से मत हटाइए यू हैव टू मेक श्योर दैट यू कीप मूविंग दिस बिकॉज ये बहुत जल्दी जल जाएगा वरना और आपको कुछ नहीं करना इसको एक कंसिस्टेंसी पे हमें लाना है जो एकदम स्टिकी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए थोड़ा सा इसको प्रेस कीजिए नहीं तो गांठे आएंगी हाँ तीसरा इंग्रेडिएंट क्या है कोको पाउडर मिठाई मेट और बटर ये 3 इंग्रेडिएंट्स हैं एंड तीनों को हमने एक साथ मिला दिया 1 चम्मच मक्खन 2 चम्मच कोको पाउडर और 1/4 कैन ऑफ दी मिठाई मेट अब आप इसको देख रहे हो मैं बार बार मिक्स कर रहा हूँ और थोड़ा फ्लेम से उठा रहा हूँ क्योंकि वी डोंट वांट दिस टू गेट बर्न्ड ना चॉकलेट को जलाना है ना मिठाई मेट को जलाना है और इसको हमें तब तक करते रहना जब तक एकदम थिक ना हो जाए ये बहुत जल्दी पक जाता है और जब ये ठंडा होए तो इसको उपटन की तरह लगाइए और चाटिए बहुत मजेदार है इट्स इररेसिस्टिबल या इट्स आई एम गोइंग टू ईट इट केयरफुल केयरफुल तो ये बहुत गर्म भी होता है तो ध्यान से बिकॉज शुगर है इसमें एंड कंडेंस मिल्क जब गर्म होता है तो बहुत ज्यादा डिलीशियस यम्मी सो एज यू सी इट स्टार्टेड टू कंबाइन एंड ये थिक होना भी शुरू हो गया है बहुत जल्दी बन जाता है ये थोड़ा सा और थिक करूंगा मैं इसको एंड वी विल बी गुड टू गो एकदम धीमी आंच पे मैं इसको मिक्स कर रहा हूँ और ये एकदम फज की तरह मुंह में मेल्ट हो जाता है सो इट्स द लड्डू ऑफ ब्राजील और इसको आप लड्डू या तो बस अब ये हो गया आप अगर आप देखेंगे तो मैं एकदम इसको उठा पा रहा हूँ ये एकदम इस कंसिस्टेंसी का हो गया एकदम फज चिपक रहा है अब मैं इसको फ्लेम से हटा दूंगा एंड इसको रूम टेम्परेचर पे हम ठंडा करेंगे जब ये ठंडा हो जाता है सो दिस इज हाउ इट लुक्स इट्स जस्ट लाइक अ कैरमल फज जो आपके हाथ पे स्टिक भी नहीं होगा सो वंस यू डन विद दिस
अब आप इसके लड्डू बनाएंगे. सो व्हाट वी आर मेकिंग, कोई पूछा था ये क्या बना रहे हैं, हम लोगों ने ब्रिगाडेरो, ब्राजीलियन ब्रिगाडेरो बनाया है. शेफ ने यहाँ पे थोड़ा मिठाई मेट का हमने कैन लिया, इससे हमने एक चौथाई कैन को भूना मक्खन के साथ. पहले मक्खन को मेल्ट करा, फिर ये डाला कोको पाउडर, इसके अंदर डाला, उनको मिक्स करा, कुक करा जब तक एक बहुत थिक कंसिस्टेंसी का सब एक साथ आ जाए, जुड़ जाए. उसको आपने फिर रूम टेम्परेचर पे 15-20 मिनट आधे घंटे रखा, इतने नान से ये ऐसा बन जाता है, ऐसी कंसिस्टेंसी हो जाती है कि आपके हाथ में चिपकेगा भी नहीं एंड ऐसे पूरा फज बॉल बन जाएगी. अब आप खाते इसको, आप कैसे दिवाली के लिए बहुत बढ़िया लड्डू बनाए. हाँ, तो आप इसको किसी भी चीज में कोट कर सकते हैं, बट हम थोड़ा मॉल्टी फ्लेवर के लिए हम नॉर्मल डाइजेस्टिव बिस्किट्स जो होते हैं वो यूज कर रहे हैं, मारी कुकीज. एंड इसको मैं मारी कुकीज लूंगा 3-4 एंड एंड मैं इसको बहुत पाउडर नहीं बनाना, थोड़ा सा क्रश करना है ताकि मुंह में एक क्रंच और एक बाइट आए. और इसमें थोड़ा सा नमक भी हम डालेंगे जी. तो यहाँ पे मेरे पास मोल्डन सी सॉल्ट है, ये सी है, मोल्डन सी वहां का नमक है, इसको मैं डाल रहा हूँ. एंड बस ये कंसिस्टेंसी पे हम इसको रखेंगे. आप कोई भी बिस्किट यूज कर सकते हैं, आप इसको बहुत सारी अलग अलग चीज़ों से कोट कर सकते हैं. हम आपको बहुत इजी वर्जन से कह रहे हैं, यू कैन ऑल्सो यूज पीनट्स, यू कैन यूज पिस्ताशियो, आमंड्स, भुने हुए आमंड, भुना हुआ काजू, पिस्ता, इन सबको इसके ऊपर आप बिल्कुल हरा बना सकते हैं बाहर. एग्जैक्टली. अब ये मैंने ले लिया, अब मैं इसकी एक बॉल सी बना दूंगा यहाँ पे लड्डू की तरह एकदम. एंड इट्स वेरी इजी, आप देखोगे बिल्कुल भी स्टिक नहीं हो रहा. अगर आपका थोड़ा ये स्टिक होता है तो आप हाथ पे थोड़ा बटर भी लगा सकते हैं. एंड इसको बस हम अच्छे से कोट कर देंगे. सर आप करेंगे अच्छा है, थैंक यू. पूछते कि अगर मैं इस पे नट्स यूज करूँ तो अच्छा. कोई पिस्ता, पीनट्स, आमंड, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, एकदम कोट हो जाएगा एकदम ट्रफल की तरह. मैं एक और बना देता हूँ. हाँ, दोनों हमें एक एक ट्राई करना है. या एंड ये एकदम आपको मुंह में मेल्ट, एकदम कैरमली गुई, इट्स फजी, इट्स वन ऑफ द बेस्ट एंड द इजीएस्ट थिंग्स टू मेक. और ये दिवाली के लिए दीजिए और पहले शेफ वरदान और मेरे घर भेजिए जी. 51 लड्डू दोनों के घर भेजिएगा, फिर हैप्पी दिवाली होगी आपकी. बिल्कुल. और ये दीजिए वरदान शेफ, एक ट्राई कीजिए. सोया और वो जो नमक डाला हल्का सा, मजा आ गया. तो कोकोनट हमारा ठंडा हो गया है. अमित यहाँ पे देखा है, तो हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा, बस इसको मिक्स करेंगे. इसको भी हमें इतनी कंसिस्टेंसी में बनाना है कि हम हाथ से लड्डू की तरह इसको शेप कर सके. आई थिंक इट्स बेटर टू गो विद इन हाथ से कर. इसमें क्या क्या मिलाया आपने? इसमें भुना कोकोनट है और बस मिनट मेड, जिसको हमने भी दिखाई रंग आमिर जी, ये मिनट मेड को हमने 4 घंटे कुक करा कैन के अंदर, उसको हमने लिया, इसमें भुना कोकोनट के अंदर मिला दिया इन दोनों को एक साथ, बस और कुछ नहीं. आपको चाहिए तो आप इसमें थोड़ी सी इलायची कुटी हुई डाल दीजिए, आपको अगर थोड़ा ट्रॉपिकल बनाना है तो आपने थोड़ा सा इसमें नींबू का जेस्ट डाल दिया और उसमें फिर आपने थोड़ा सा नींबू का जूस भी अंदर डाल दिया, संतरे का जेस्ट कर सकते हैं, कैंडीड ऑरेंज अंदर मिला सकते हैं, अलग अलग किस्म की बना सकते हैं. कंडेंस मिल्क ब्राउन क्यों दिख रहा है? क्योंकि हमने मिनट जो मिठाई मेट है उसे हमने कुक करा है 4 घंटे कैन के अंदर ही डाल के पानी में 4 घंटे उबाला है, उससे ये ब्राउन हो गया है. हाँ. एक और सवाल है, कैन वी यूज दिस ऑन द केक फॉर डेकोरेशन? टोस्टेड कोकोनट, टोस्टेड कोकोनट एंड दिस बोथ, यस, व्हाई नॉट, इट विल बी ब्यूटीफुल, यू कैन यूज बोथ ऑफ देम. ब्राजील में लोग अपने बर्थडे पे इसको केक के साइड पे रखते हैं एंड केक काटने से पहले सब एक एक लड्डू खाते हैं. एंड जब तक केक मीठा राम लड्डू है. एग्जैक्टली. अच्छा, वो तुम खाओ, ये मैं खाऊं.
सो वी मेड इट. इस पे भी आप पीनट्स, आमंड्स, कुछ भी नट्स यूज कर सकते हैं. ये जो तिल की हमारे लड्डू होते हैं विंटर्स में, उससे भी बेहतरीन है. वेरी गुड. आई एम डूइंग द हैप्पी डांस. मतलब जब आपका बदन खुद नाचे कुछ खा के, मतलब बहुत बेहतरीन है. बहुत तृप्ति मिली, मजा आया. हमेशा बिल्कुल जो तिल की लड्डू होते हैं उनकी तरह कंसिस्टेंसी है भुने कोकोनट के साथ. तो घर पे बनाइए, कितनी इजी रेसिपी है. और अगर इसके भी 51 लड्डू मेरे घर आए, उनके घर आए, नहीं तो आपकी दिवाली अच्छी नहीं होगी. हमें बना के भेजे, बहुत मजेदार है. मैं भी हाथ धोलू. सो यही है दो डिशेस. मैं दोबारा एंड कोकोनट लड्डू. वन मिनट, एक और चीज इससे करेंगे. ओके, मुझे दिखाओ कैसे है. अब देखिए हम क्या करने वाले हैं. तो दोनों को मिक्स करके हमने, दिस इज गोइंग टू बी रियली गुड. या ये गंगा जमुना और सरस्वती में जा रही हैं. तो आप ये थोड़ा बेटर करेंगे जब आप बनाओगे घर पे इसको, जैसे पराठे के बनाते ना, वैसे एक को आपने फ्लैट करा, दूसरे को अंदर डाला. ये अभी जल्दी में मैंने बनाया दिखाने के लिए. और इसको अब वरदान आप आधा लो, मैं आधा लू. बताइए क्या क्या है इसमें. तो ये जो हमने मेन कोकोनट लड्डू बनाया, डेसिकेटेड कोकोनट और डुलचे वाला, उसका मिक्स, और जो ब्रिगेडियर हमने बनाया है जो कुक करके, उन दोनों को हमने मिक्स करके, इट्स लाइक अ फज बॉल. सो आउटसाइड कोटिंग इज कोकोनट, इनसाइड इज योर चॉकलेट. एंड इसको हमने डस्ट कर दिया डाइजेस्टिव बिस्किट्स में, और थोड़ा सी सॉल्ट डाला है. तो यू गेट द माल्टीनेस, द क्रंच ऑफ द बिस्किट्स एज वेल. ये अमेजिंग. Amul should give me 1 crore rupees for this laddu ki recipe. It is heaven. Jannat dekh liya tha ke. Pretty good. To simple aapko recipes di hain condensed milk ke sath. Coffee maine pee li. Laddu maine 3 kisam ke aaj khaye hain. Aap bhi kha sakte hain. Jab aapke paas kuch khane ko na ho, aapko taakat chahiye, maza chahiye. गीता जी पूछ रही है कैरमल बनाने के लिए ब्राउन शुगर यूज कर सकते हैं? नहीं, इसको कैरमल हम नहीं बना रहे, हम इसको दुल्से दे लेचे कहते हैं. तो इसका कंसिस्टेंसी कैरमल से अलग है, ये क्रीमी होता है ज्यादा. कैरमल बस पानी और चीनी से बनता है. वो हमने ऐसे बनाया, कुछ नहीं किया आपने. एक कंडेंस्ड मिल्क का जो कैन है हमने इसमें डाला, इसको ऊपर तक पानी से भर दिया, और लिड लगा के 3.5 to 4 hours हमने इसको बस एक स्लो फ्लेम पे कुक करना है. 4 hours बाद आप ये कैन निकाल के ठंडा होने रख दीजिए रूम टेम्परेचर पे. जब ठंडा होगा अंदर से वो इस कलर का हो जाएगा. और आप इसको किसी भी चीज़ के साथ ट्राई कर सकते हैं. यू कैन यू अप्लाई ऑन योर टोस्ट, योर सैंडविचेस, विद पीनट बटर, विद सम बनानास, सम व्हिप्ड क्रीम ऑन टॉप. यू कैन मेक एंडलेस डिजर्ट्स विद दिस. तो जब मैं सैन फ्रांसिस्को में रहता था, दुनिया का सबसे, मेरा अमेरिका का सबसे फेमस थाई रेस्टोरेंट, दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस थाई शेफ्स का है, चाय सिरियान, उसका नाम है मारनी थाई. जब आप चाय शेफ के घर रेस्टोरेंट पे खाना खाने जाते थे, लास्ट चीज जो वो खिलाते थे वाज अ थाई मलेशियन पराठा. वो पराठा जो मलाबार परोठा जिसको कहते हैं, उसकी जो वो जो अगर महाराजा होते जो बनना चाहते वो है वो पराठा. इट इज द बेस्ट पराठा इन द वर्ल्ड. जैसे मलेशियन और थाई लोग पराठा बनाते हैं, हम हिंदू लोग, इंडियन लोग अपने ड्रीम में भी नहीं सोच सकते, इतनी बेहतरीन होते हैं उनके पराठे. वो पराठा लाते थे, लच्छा पराठा, उसमें वो फिर चीनी डालते, उसको जो हम लोग चीनी का मीठा पराठा खाते हैं वैसे कुक कर देते थे. और फिर आइसक्रीम लाते थे, एक बॉल वनीला आइसक्रीम की, और उसके ऊपर ये कंडेंस मिल्क पोर करते थे. उफ, वो क्या बढ़िया चीज थी, मतलब सोने पे सुहागा पे सुहागा. एंड तो वो भी एक रेसिपी है. टोस्ट पे खाइए कंडेंस मिल्क को, चाय, कॉफी,
उसकी आप फ्लान बना सकते हैं, क्रेम कैरेमल बना सकते हैं, आइसक्रीम बना सकते हैं बिना अंडे की, बहुत अच्छी तरह 4 घंटे में रेडी हो जाएगी। आप इसके साथ पाइस वगैरह में फिलिंग में डाल सकते हैं, केक में आइसिंग की तरह डाल सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं कंडेंस्ड मिल्क के साथ। मैं तो मिठाई मेट को चम्मच से लेके खा लेता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे को डांट रहे थे आज, मैंने 4-5 बारी चखा, मैंने कहा एक और बारी चख लू। इसीलिए इसका नाम है मिठाई मेट, जिसको मीठा अच्छा लगे, जिसको मिठाई अच्छा लगे, उसका मिठाई मेट दोस्त है। और मैं मीठे के लिए जीता हूँ, इसलिए मैं इतना स्वीट अच्छा आदमी हूँ। ये थोड़े कम खाते के कड़वे हैं। तो देखिए मिठाई मेट खाइए और हैप्पी रहिए। निकिता जी पूछ रही हैं, इज इट डेसिकेटेड कोकोनट? यस निकिता जी, यू आर राइट, इट इज डेसिकेटेड कोकोनट जो हमने यूज करा था। मैं फ्रीजर में हमेशा रखता हूँ, क्योंकि यही कोकोनट मिठाई मेट के साथ लड्डू बन जाएगा। और जब आपको कोई करी बनानी है, उसके लिए आपने भूनते समय प्याज के बाद करी में डाला, तो उससे बहुत बढ़िया नटी स्वाद और कुरमे जैसी कंसिस्टेंसी आ जाती है। तो रखिए अपने फ्रीजर में। और क्वेश्चन अमित जी? अभी तक नहीं। तो आप लोग रिमेम्बर 9% इसमें मिल्क फैट है, और ब्रांड्स में कमी होता है, कई 4% डालते हैं, तो उन ब्रांड्स में लिखा नहीं होता है कि ये, इसमें लिखा है स्वीटेंड कंडेंस मिल्क, और सब लिखते हैं पार्शियली स्वीट। वो आपको आधा झूठा सामान दे रहे हैं, आधा कंडेंस मिल्क दे रहे हैं, पर छोटे छोटे टेक्स्ट में लिख देते हैं पार्शियली। पार्शियल का मतलब होता है आधा। तो आप ये खरीदिए बिना डर के, निडर होके। अमूल कभी चीट नहीं करता है। गवर्नमेंट ने बोला 8% फैट होना चाहिए, उससे ऊपर उन्होंने आपको 9% दिया है। सो इट्स इजी टू ट्रस्ट अमूल, डोंट वरी। आमिर आप शक्ल बना रहे, सब ठीक ठीक चल रहा है फेसबुक पे? सर थाई पराठा की रेसिपी बताइए। वो रेसिपी आई विश आई कुड, पर जैसे मैदे का, एक तो वो मैदे का बनाते हैं, और उसको आपने लच्छा पराठा जैसा बनाया, जितने और लच्छे, वो 3-4 बारी उसको लच्छा डालते हैं। हम लोग एक बारी करके तल देते हैं, वो फिर से उसको गोल बनाते, एक और बारी 3 या 4 बारी और लेयर्स डालते हैं, फिर आपने घी में तला, आइसक्रीम वनीला आइसक्रीम डाली, एंड उसके साथ आपने कंडेंस मिल्क ऊपर जो मिठाई में थे डाला, एंड आपकी जिंदगी बिल्कुल उसके बाद कभी सेम नहीं रहेगी, आपको हमेशा वही डिजर्ट खाना होगा। इसको अंडे में भूनते हैं ना? हाँ, कई बार उन लोगों के पराठे में अंडा भी होता है और मोन भी और घी भी डलता है, तो बहुत चीज है, एंड इट्स अमेजिंग। तो आज हमने आप लोगों के साथ मिठाई मेट की खूबियां शेयर करी हैं, एंड अपने घरों पे एंजॉय करिए। इस दिवाली के लिए 3 लड्डू आपने सीख लिए। जो पहला वाला था उसमें हमने बस कोकोनट को भूना, डेसिकेटेड कोकोनट को, जब वो गोल्डन कलर का हो गया, उस पे हमने मिठाई मेट, जिसको हमने 4 घंटे बॉइलिंग वाटर पे हल्की आंच पे बॉइल करा था, ये ऐसे भूरे रंग का हो जाता है, उसमें कोकोनट के साथ मिलाया, वो एक लड्डू बना। दूसरा हमने मिठाई मेट लिया, उसको मक्खन में थोड़ा भूना, उसमें कोको पाउडर डाला कि ऐसा ब्रिगेडियरो फज बनाया, उसकी आप बॉल बनाते, उसको मारी बिस्किट पे डाला। तीसरे में हमने इसी ब्रेड फज को लिया, आपने एक को, जैसे हम पराठे आलू वालू के बनाते, एक को आपने चपटा करा, उसके अंदर दूसरे को डाला, फिर उसको गोल बनाया, मारी बिस्किट पे डाल दिया। ये गंगा जमुना सरस्वती तीन एक साथ मिलेगी, उसमें आप नट्स भी डाल सकते हैं, ग्राउंड आपने मारी कुकी डाली, या जो भी आपकी मर्जी टेक्सचर देने के लिए, यू कैन पुट एनीथिंग। व्हाट वुड यू पुट वदन? I would put probably toasted peanuts or some kind of nuts. Peanuts would be salty. थोड़ा सा नमक। हमने भी थोड़ा नमक डाला। बताने पे वो ग्लास क्या है वहाँ पे दियो? मेरी कॉफी है जो आप चुराने वाले हो। हाँ मैं देखो कितने बदमाश है शेफ, मैं हूँ गुरु, ये है मेरे चेले, अब इन्होंने झूठा कर दिया। तो ये हमने बनाई कि आप कॉफी चाय जो भी आप पीते हैं घर पे, उनको आप जैसे आप बनाते हैं बनाइए, पर कंडेंस मिल्क में डाल दीजिए, गर्म ठंडा, जैसे ठंडा पीना है तो बर्फ डालिए, गर्म पीना है गर्म। वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड में ऐसे पीते हैं कंडेंस मिल्क के साथ, उसका मजा अलग ही है। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, एंजॉय प्लेइंग विद मिठाई मेट। दिस इज शेफ वरदान मारवा एंड शेफ सुवीर सरन। हम दोनों शेफ्स हैं, हम लोग जिंदगी भी खूब शौक से जीते हैं, और दुनिया ट्रैवल करने का हमारा शौक है। हमारे को जब कंफर्ट चाहिए होता है, हम लोग ऐसी चीजें खाते हैं, क्योंकि इनमें एक तृप्ति मिलती है जो और कभी नहीं मिल सकती है। सोसाइटी नीड्स प्योर फ्लेवर्स, milk is an amazing way of getting deliciousness into your life. Thank you for joining Vardhan and me as we cook this Sunday. Thank you. Thank you.